थोड़ी देर बाद इसने हाथ के इशारे से मास्टर साहब को जाने के लिए कहा था। मास्टर साहब अपने घर की तरफ चल दिए। 8-10 लोग उनके ताकुब में यूं आ रहे थे जैसे अचानक इन्हें मास्टर साहब को मिलने वाली वलायत का इलम हो गया हो। मास्टर साहब ने हार गले से उतारकर हाथ में पकड़ लिए थे। जब गांव वालों को सामने पक्के रास्ते पर 2 फौजी जीपें इस तरफ आती दिखाई दी, मास्टर साहब का दिल धक से रह गया। बाबा जी की सारी बात इन्हें समझ आ गई। जीपें इनके नजदीक आकर रुक गई। अगली जीप से कर्नल साहब बाहर आए। उन्होंने ऊंची आवाज में अस्सलामु अलैकुम कहकर मास्टर नूरदीन साहब से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। मेरा नाम नूरदीन है, मास्टर साहब ने धड़कते दिल से कहा। इस असना में 2 जीपों से बाकी अफसर और जवान उतरकर कर्नल साहब के पीछे खड़े हो गए थे। मैंने आपसे कुछ बात करनी थी, कर्नल साहब ने अपनी टोपी सर से उतारकर हाथ में पकड़ ली थी। मैं वो बात जान गया हूँ बेटा, तुम बेफिक्र होकर कह डालो। मास्टर साहब को अचानक ही किसी गैर मरी कुव्वत ने बूढ़े मास्टर से जवान मर्द बना दिया था। कर्नल साहब और उनके साथी उनके एहतराम में सर झुकाए खड़े थे। चंद सानिये की हिचकिचाहट के बाद कर्नल साहब ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, हमारा ताल्लुक 3rd कमांडो बटालियन से है। आपके साहबजादे शायद इकबाल साहब दुश्मन के खिलाफ दादे शजात देते हुए शहीद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मास्टर नूरदीन के मुंह से बेसाख्ता निकला और कर्नल साहब के साथी इंतहाई एहतराम से सब्र और रजा के स्पीकर की तरफ देख रहे थे। उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि मास्टर साहब को कप्तान साहब की शहादत का इलम इनसे पहले कैसे हो गया। कर्नल साहब और इनके साथियों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो, मास्टर नूरदीन ने अपने साथ आए गांव वालों की तरफ देखकर कहा, जिनकी आंखें भीग रही थीं और खुद बड़े पुरवकार कदमों पर अपने घर की तरफ चल दिए। कर्नल साहब और उनके साथी मास्टर साहब के पीछे इस तरह चल रहे थे जैसे परेड ग्राउंड में जवान अपने अफसर के पीछे मार्च किया करते हैं। नंबरदार हमीद खान ने 2 लड़के मास्टर साहब की हवेली की तरफ दौड़ा दिए, जहां उनके पहुंचने पर चारपाइयां और मूड़े धरे जा चुके थे। तशरीफ रखें, मास्टर नूरदीन ने बड़े फखर से उनकी तरफ देखकर हाथ के इशारे से कहा और कर्नल साहब अपने साथियों समेत वहां बैठ गए। गांव के लोग उनके गिर्द इकट्ठे होने लगे थे। नंबरदार हमीद खान बढ़ कर इन गाजियों की पजीराई कर रहा था जो इस गांव की सरखुरोई का पैगाम लेकर आए थे। हवेली के दरवाजे से मास्टर साहब घर के आंगन में दाखिल हुए तो हशमत बे भी हाथ में सुर्ख जोड़ा पकड़े दिखाई दी। लो मास्टर जी, आप कहते थे देर हो गई, ईदा ने आज ही जोड़ा तैयार कर दिया। मैं नाप कर आई हूँ, शायद इकबाल की दुल्हन को बिल्कुल फिट बैठता है। उनकी बेगम ने उनके कुछ कहने से पहले ही उनसे कहा, शायद इकबाल की शादी को 10 रोज बाकी थे और वो अगले 5 रोज बाद आने वाला था। हशमत बीबी, तेरा दूल्हा राजा जल्दी आ गया, मास्टर जी ने भर्राई हुई आवाज में कहा। हशमत बीबी ने फटी फटी नजरों से मास्टर नूर मोहम्मद की तरफ देखा, जिनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग रही थी, लेकिन जो सब्र और रजा का पैकर बने इसके सामने खड़े थे। मास्टर जी, हशमत बीबी के मुंह से सिर्फ 2 लफ्ज निकले और वो चकरा कर गिरी, लेकिन मास्टर जी ने इन्हें थाम लिया। सामने कमरे में कैप्टन शाहिद इकबाल की बेगम का दाज तैयार करती इसकी बहनें भाग कर बाहर आईं और मास्टर नूरदीन की हवेली पर शामे गरीबां उतर गई। 50 साल पहले 13 अगस्त को वो इस गांव में गमो अंदोह की एक तवील शाहराह पर सफर करते दाखिल हुए तो इन्हें शिद्दत से अपने लुटने का एहसास हुआ था, लेकिन आज वो सुरखुरू थे। उन्होंने अपनी भीगी आंखों से सामने बरामदे की छत पर लहराते सब्ज हिलाली परचम पर निगाह डाली और ना जाने क्यों एक मुस्कुराहट उनके होठों पर ठहर गई। सबर करो बच्चियों, सबर करो, शहीद के दर्जात कम ना करो। हशमत बीबी, आज कोई ना रोए, आज रोने का नहीं फख्र करने का दिन है। हशमत बीबी, तेरे बेटे ने हमारा कद ऊंचा कर दिया, होश कर, तू शहीद की माँ है, जा गांव वालों से मुबारकबादियां वसूल कर। खुदा जाने उस लम्हे मास्टर साहब की आवाज में क्या राहत कड़क रही थी। हवेली में चीखो पुकार थम गई। माँ जी, अब्बा जी ठीक कहते हैं,
शहीदों की माएँ रोया नहीं करती। शायद इकबाल की बहन थर्ड ईयर की तलबा जैनब ने अपने दुपट्टे का पल्लू ढंग से सर पर रखते हुए अपनी माँ को हौसला दिया। हवेली के बाहर सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। नंबरदार हमीद खान के आदमियों ने जमीन पर चारपाइयां बिछानी शुरू कर दी थीं। मास्टर साहब को देखकर सब एहतरामन खड़े हो गए। सारे मजमा पर सुकून तारी था। मुबारक हो मास्टर जी। अचानक ही सूबेदार मोहम्मद खान की आवाज ने सुकून तोड़ा। वो मास्टर साहब के साथ ही गुरदासपुर से हिजरत करके आया था। मोहम्मद खान यार, तेरा शागिर्द बाजी ले गया। मास्टर नूरदीन हैरत अंगेज हद तक नॉर्मल हो चुके थे। मैंने कहा था ना नूरदीन, तुझे 15 साल पहले कहा था, ये सब का नंबर काट देगा। देख लिया, हम फौजी बूढ़े भी हो जाएं तो हमारी अकल कायम रहती है। मोहम्मद खान की आवाज भर्रा गई। वो शायद इकबाल को हिसाब पढ़ाया करता था। रिटायरमेंट के बाद उसने गांव के बच्चों को अपने घर मुफ्त पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया था। जिस रोज शायद इकबाल ने सारे जिले में टॉप किया, उसने मास्टर नूरदीन से कहा था, अभी तूने देखा ही क्या है, देखना एक रोज मेरा शागिर्द सबका नंबर काट देगा। बड़ा आया है मास्टर, हम फौजियों से ज्यादा हिसाब किसी को नहीं आता। और आज उसका शागिर्द टॉप कर गया, सबके नंबर काट गया था। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहे। और अगर आप ये सीरीज़ मुकम्मल देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।